आज हम बात करेंगे पितृ दोष के बारे में। आप कहीं भी किसी ब्राह्मण को, किसी ज्योतिषी को अपना हस्तरेखा भी दिखाते हैं या कोई कुंडली दिखाते हैं, तो वो आपको बोलता है कि बोलेंगे कि आपके पितृ दोष है। अब ये पितृ दोष होता क्या है और इतना भयभीत होने की क्या हमें आवश्यकता है? आज आपको एक छोटी सी विधि बताऊंगा पितृ दोष शांति के लिए, क्या होता है दरअसल पितृ दोष और कुंडली में क्या प्रभाव इसका रहता है, इसके बारे में आपको आज बताऊंगा मैं। जैसे हमें पहचान बताता हूं शुरू में, लगन कुंडली के अंदर नवम पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृ दोष बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में ऐसा दोष इन सभी दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है, इस पर इस दोष को पितृ दोष के नाम से जाना जाता है। ये पितृ दोष नवे भाव से शुरू होता है सूर्य और राहु की युति के कारण। तो ये एक कारण है पितृ दोष का, नवे भाव का पितृ दोष। पितरों से सीधा तात्पर्य यह है, इसकी पहचान। दूसरा आपको मैं बता दूं इसकी जो लक्षण है क्या क्या नजर आते हैं पितृ दोष होने के कारण। पितृ दोष होने पर विवाहित जीवन में सदा तनाव बना रहता है, पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं, परिवार में एकता कभी नहीं रहती, अक्सर गृह क्लेश में मानसिक शांति नहीं होती है, बिना बात के घर में लड़ाई होना पितृ दोष के लक्षण है। दूसरा, पितरों संबंधित समस्या अगर आपको है तो आपका जहां पितरों पितृदेव स्थान है, एक तो विशेष ध्यान रखें कि जहां आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अपने आराध्य की पूजा पाठ करते हैं, वहां पर पितरों की पूजा बिल्कुल न करें, बिल्कुल निषेध है वहां करने पितरों की पूजा, क्योंकि पितर चाहे कितने भी हमारे घर के सदस्य हैं हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, एक भगवान के समान है लेकिन भगवान नहीं है, तो उनकी पूजा उस जगह पर नहीं होनी चाहिए, उनका एक अलग स्थान हो और उस पर सफेद पर्दा लगे पितरों का, पितरों की तस्वीर है या कलश आपने रख रखा है तो साफ सुथरी जगह पर हो, किसी प्रकार का कोई गंदगी वहां नहीं हो, तो ये विशेष ध्यान है पितृ दोष की शांति के लिए। अब मैं ऐसे कुछ आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से आपके अचूक ऐसे उपाय है कि पितरों संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, आपकी जॉब में, आपके विवाह में, आपकी नौकरी में, आपकी सफलता में, यह कि आपकी विदेश यात्रा में भी समस्याएं हैं तो वो भी आपकी दूर जल्दी से जल्दी हो जाएंगी। पितृ दोष के 5 अचूक उपायों में से प्रथम उपाय यह है, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान किए। जैसे आपके परिवार में 11 सदस्य हैं तो अलग अलग 11 सिक्के आप लेकर सभी के ऊपर से 7-7 बार उनके वार कर और बराबर मात्रा में उनको किसी मंदिर में या देव स्थान में दान कर दें। दूसरा रामबाण उपाय है, कपूर जलाने से देव दोष और पितृ दोष का शमन होता है, तो कपूर का ज्योत संध्या काल में हर दिन करें, प्रयास रहे कि दोनों वक्त जब मिलता है, जब दोनों समय एक साथ होते हैं, दिन खत्म होता है और रात्रि की शुरुआत होती है, संध्या काल का समय होता है, तो उस समय आप ये काम कर सकते हैं। तीसरा आपको मैं उपाय बताता हूं, कोए, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाकर पितृ दोष की शांति से मुक्ति पाई जा सकती है। पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाना बहुत अनिवार्य है, दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए, अगर आपके घर में पितृ दोष है या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो दक्षिण मुखी में नहीं रहे। अगर दक्षिण मुखी में कोई आपकी मजबूरी है रहना तो उसके लिए आप घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं, यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा रहेगा। अमावस्या के दिन ये काम कर सकते हैं, यदि आपके घर में पितृ दोष है तो आप किसी भी अमावस्या को काली उड़द की दाल और गुड़ का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन घर में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके भोजन कराएं, 5 सफेद कपड़े और दक्षिणा का दान उन्हें दे सकते हैं। साथ में इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ही भूलकर नहीं करें, हो सके तो ब्रह्मचारिता का पालन आप इस दिन करें। इस दिन महिला का अपमान करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पितरों की तस्वीर घर की उचित दिशा में लगाएं, इससे नियमित रूप से माला अर्पित की जा सके। यही नहीं, उनकी तस्वीर की नियमित साफ सफाई हो, नियमित देखरेख हो, जो कलश होता है पितरों का वो हर अमावस्या के दिन में बदलाव करें, बदलाव नहीं हो सके तो उसके साफ सुथरे जल से उसका पानी भरे, पितरों को जल का तर्पण समय पर मिल सके। पुण्यतिथि पर दीपक जरूर जलाएं, उनके रूठे वे जो पूर्वज रूठ चुके हैं उनको मनाने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल में पितरों को प्रणाम करें, उनकी तस्वीर के पास ताजे फूल रखें, इसके सामने
आपके सभी पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पितृ देव जरूर पूरी करेंगे। पितृ महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, श्री बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।